भागलपुर की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब भागलपुर स्टेशन से राजधानी ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो गया है। अब लोग कम समय में दिल्ली का सफर कर पाएंगे। जानकारी देर शाम सर्किट हाउस में सांसद अजय मंडल ने दी। भागलपुर के सर्किट हाउस में देर शाम आयोजित प्रेस वार्ता में जदयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि भागलपुर में उनके प्रयास से ही राजधानी का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। पिछले कई वर्षों से जनता की इच्छा थी कि यहां से कोई अच्छी ट्रेन चले जो कम समय पर ज्यादा दूरी का सफर तय करा सके, और राजधानी ट्रेन के रूप में भागलपुर को सौगात के रूप में मिल गई है। वहीं उन्होंने बताया कि राजधानी का ठहराव सुनिश्चित करने को लेकर लंबे समय से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। सदन में भी इसकी मांग उठाई जा रही थी और अंत में भागलपुर को सौगात के रूप में राजधानी ट्रेन मिल ही गई। यह काफी खुशी का विषय है। वहीं सांसद ने पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्रेडिट लेने के चक्कर में शहनवाज हुसैन ओछी राजनीति करते हैं। भागलपुर की जनता ने उन्हें दिल से निकाल दिया है, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें केंद्र से हटाकर राज्य की राजनीति में भेज दिया है। ऐसी स्थिति में उन्हें जनता को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। उनका काम सिर्फ यही रह गया है, सरेंड और झूठा अफवाह फैला दे। हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आप उनसे पूछिए, क्योंकि आपको तो अधिकार है सब पूछने के लिए, क्योंकि आप तो सर्वो सब कुछ पूछ सकते हैं कि जब लालू जी 2008 में रेल मंत्री थे और ये दो हमारे शहनवाज माननीय शहनवाज जी यहाँ के भागलपुर के सांसद थे, उन्होंने लालू जी ने रेल मंत्री के रहते जब भागलपुर आए थे तो उन्होंने एक घोषणा किए थे कि हम भागलपुर को मंडल डिवीजन बनाएंगे। तो वो अपने उस सांसद के रीजन में कई बार लालू जी से मिले और मंडल डिवीजन को बनाने की मांग किया कि आपने क्या करके आए, इतना तो बोलना चाहिए, कभी बोले हैं कभी नहीं। देखिए नेता जो है जनता के विकास के लिए सर उठाता भी है और सर झुकाता भी है। जनता के विकास के लिए, जनता के फायदे के लिए मुझे अगर विपक्ष हो या पक्ष हो या कहीं भी सर झुकाना पड़े तो झुकाना चाहिए। मुझे चूंकि जनता का सेवक है, जनता के हित में जो काम हो वो करना चाहिए। क्या आप कभी मिले हैं इस मामले राजधानी के मामले को लेकर? आपने मैंने कई बार राजधानी के मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कई बार मैंने रेल मंत्री से मिला, मैंने इसके लिए लोकसभा में क्वेश्चन किया, वो सारा सबूत मेरे पास है, सब चिट्ठी दिया गया है। तो बीजेपी को नेताओं को क्या हो गया है? बीजेपी के नेताओं को नहीं हो गया, मैं उसको बात नहीं, जो नेता उसमें बोले हैं कि मैंने रेल को बहुत प्रयास से लाया है, तो प्रयास तो दिखाइएगा ना कहीं कि मुंह से बखले में। कानून बोलने से नहीं चलता, लिखित से चलता है। लिखित राजनीति कर रहे हैं, ये तो अच्छी राजनीति है, राजनीति बहुत अच्छे करते, तो भागलपुर की जनता उसे यहाँ से मन से उतार थोड़े देते। अगर अच्छी राजनीति भागलपुर जनता के साथ होता तो मन से नहीं उतारते। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने और यातायात को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय के आसपास सभी दुकानों एवं राह चलते लोगों को पुलिस प्रशासन रोकते टोकते नजर आई। साथ ही राह चलते मोटरसाइकिल चालक या यत्र तत्र घूमते लोगों से भी कागजात और परिचय पत्र ढूंढते नजर आई। वहीं दूसरी ओर एक दिन पहले डिक्सन मोड़ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से टोटो चलाने वाले टोटो चालकों के
विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। मौके से अवैध रूप से 28 टोटो का परिचालन करते हुए उन्हें जब्त किया गया। अभियान में पिछले दिनों भागलपुर की सदर SDO धनंजय कुमार, ट्रैफिक DSP आशीष कुमार, CT DSP अजय कुमार चौधरी, DTO भागलपुर, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार समेत अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। आज भारी मात्रा में पुलिस बल और पुलिस लाइन के DCP संजीव कुमार भी रोको टोको अभियान में तत्परता से लगे हुए थे। जांच के क्रम में सभी चालकों के लाइसेंस की जांच की गई। जो लोग मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सके उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक DSP आशीष कुमार ने बताया कि सभी वाहनों की जांच की जा रही है। साथ उन्होंने बताया कि अभी तक 40 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर 482,000 रुपये जुर्माना भी वसूले गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभी तो जहाँ जहाँ देखते हैं रोड एक्सीडेंट सब है, चलने में ट्रैफिक में परेशानी होती है, पब्लिक को परेशानी है, स्कूल के समय में, ऑफिस के समय में, तो बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम हम लोग की बनी। SDO साहब हैं, हम हैं ट्रैफिक DSP हैं और हमारे जितने भी पुलिस के अंतर्गत वो पुलिस फोर्स, हम लोग का ये मुहिम चलाया जा रहा है। अभी नियंत्रण ये चलता रहे कि जहाँ भी रोड जाम हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर दुकान आगे बढ़ा के लगा दे रहा है तो उसको हटवा दे रहे हैं, या बहुत सारे अभी सिंचाई झपट्टी हो रही है उसमें केवल 2 नंबर की गाड़ी यूज हो रही है, इस पर भी हमारा अभियान चल रहा है। नियंत्रण ये अभियान SDO साहब के निर्देशन में चलता रहेगा और बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ये अभियान नियंत्रण चलता ही रहेगा। और ट्रैफिक अच्छा हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। सबसे पहले आप लोग भी संभ्रांत नागरिक है, पत्रकार के साथ भागलपुर के नागरिक हैं, सभी लोगों से अपेक्षा है कि ट्रैफिक रूल का पालन करें। इतना दिन हो गया अनाउंस कराते हुए, सभी जगह पेपर में निकल रहे हैं, लड़के खास करके जो छोटे लड़कों को बाइक दे देते हैं बिना लाइसेंस के हैं, या फिर अपने चलाते हैं विदाउट केयरिंग, बिना हेलमेट के ट्रिपल लोड ले कर चलते हैं, वो बाइकर्स नहीं होना चाहिए। 4 चक्का चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अपने ट्रैफिक नियम का मतलब केवल गाड़ी चलाना नहीं है, उसको दूसरे आदमी कोई कन्वीनियंट नहीं हो और सुविधा नहीं हो, इसलिए आप अपना बाएं लाइन में चलें। कहीं गाड़ी लगाते तो आप जितना ही रोड है उसमें आप भरसक प्रयास करें कि एकदम लेफ्ट दें ताकि दूसरे को जाने में असुविधा नहीं हो। और बाकी एक संभ्रांत नागरिक की तरफ व्यवहार करें। सभी लोग अब पढ़े लिखे लड़के बाइक चलाते हैं लेकिन घर से निकलते हैं कोई उसको या तो लाइसेंस नहीं, तो हम समझते हैं प्रॉपर वो ड्राइवर नहीं है, उसको चलाने का कोई आइडिया, केवल स्टीयरिंग या हैंडल संभालने जानता है, फिर उसको व्यवहार नहीं पता है ट्रैफिक का। सर शहर में जो ये लगी हुई है मशीन लगी हुई है ये मतलब उसका निकट भविष्य में तुरंत दो दिन मैं बताता हूँ सभी सीनियर पदाधिकारी से लेके जी कब से फाइन कटेगा। तो एक साथ एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है और फाइन तो सजग करने के लिए जो हम लोग मैनुअली काटेंगे सब आदमी को लगा देंगे कितना फाइन काटेंगे, और कोई उसका मकसद नहीं, मकसद ये है कि लोगों का लाइफ बचे। आप ये घटना कहीं हुआ है टोटो और बाइक में एक्सीडेंट हुआ, हाथ पूरा कट गया लड़के का बाइकर्स का और ब्रेन खुल गया। भागलपुर में आए दिन स्ट्रीट वेंडरों पर गाज गिरती रहती है। आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके सामानों को सड़कों पर फेंक दिया जाता है, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की जाती है। जबकि तिलका मांझी चौक पर कुछ दुकानदार स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा आई कार्ड सर्टिफिकेट और वेंडिंग जोन भी दिया गया है। शहर में कुल 58 जगह वेंडिंग जोन है जिसमें तिलका मांझी भी एक है। वर्तमान में इस जगह को पुलिस प्रशासन के द्वारा टोटो का रूट बना दिया गया है, जिसके चलते यहां के दुकानदार अपने दुकानों को छोटे स्वरूप में चला रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन द्वारा फिर इन दुकानदारों की दुकान को यहां से हटवाया गया, जिसको लेकर दर्जनों दुकानदारों ने आवाज बुलंद की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा आई कार्ड और जगह मुहैया कराया गया है, फिर हम लोगों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, हम लोगों के साथ क्यों कुत्ते मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, क्या हम इंसान नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी वेंडर ने कहा कि हमारे सामान को सड़कों पर जबरन फेंक दिया जाता है या कहीं से सही नहीं है, जब हम लोग सर्वेक्षित हैं और अनुमति प्राप्त वेंडर हैं तो इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान स्ट्रीट वेंडर भागलपुर जिला के अध्यक्ष संतोष शाह, कल्पना देवी, धर्मा, पवन कुमार दास के अलावे दर्जनों दुकानदार मौजूद थे। मामला ये है कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर हैं और यहाँ 20-25 साल से जो है अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं। बजाबता नगर निगम के द्वारा जो है सरकारी एक्ट के तहत जो है, ये देखिए हमारा आई कार्ड है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम द्वारा आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी प्रोवाइड किया गया है। ये इसका मतलब है कि हम सर्वेक्षित वेंडर हैं
और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का मतलब है कि नगर निकाय द्वारा जिसको सरकार ने ऑथोराइज किया है टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा जो हमको यहाँ पर फल और सब्जी जो भी व्यवसाय है हमारा बेचने का अनुमति पत्र, ये मेरा वेंडिंग जोन है। शहर में कुल 58 जगह वेंडिंग जोन तय किया गया था जिसमें एक तिलका मांझी भी वेंडिंग जोन था हनुमान मंदिर के पीछे से लेकर के थाना तक। वर्तमान परिस्थिति में जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने टोटो का रूट बना दिया है, हम लोग को बड़ा कष्ट हो गया। फिर भी हम लोग सामंजस्य को अपनाते हुए जो है अपनी दुकानें को छोटी स्वरूप में करके किसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना व्यवसाय रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमें आपत्ति नहीं है कि टोटो भी चले हमारा दुकानदार भी रोजी। आज की ताज़ा बात है कि तिलका मांझी थाना के द्वारा कल शाम को और आज लगातार जो है हम लोग को अतिक्रमण अभियान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे सामानों को विक्रय सामग्रियों को फल सब्जी को फेंक दिया जाता है, चूर कर दिया जाता है, दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। क्या हुआ पुलिस हमारा क्या? हाँ सर, सामान उठा दिया, उठा रहे, बोला उठाने उठा ही रहते हैं, बोले सर एक सामान है ना बार बार उठा लेंगे धीरे धीरे करके। उठाने के क्रम में घंटा चला दिया, पूरा हाथ कनकना रहा है सर, चला भी गया, सामान भी बर्बाद हो गया। हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार होता, हम गरीब व्यक्ति, हम लोग को आई कार्ड और नगर निगम से प्रमाणित सब चीज़ किया गया, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन आता, कोई जरा सा भी विचार नहीं करता सर, एकदम पूरा सामान को लाठी से डंडा से उड़ देता। पुलिस वाले आपको मारे थे? जी हाँ, अभी अभी तुरंत मारे हैं। क्या बोलते मारे? क्या बोला रे मारदा चौथ, तुमको बोले नहीं लगाने ना, परसों भी मारे ना मारदा चौथ, कह लगा रहे हमको पता नहीं क्या कारण, हम नहीं जानते हैं, रोज का वही हाल है। तीन दस आज वही सामान तमान छीट दिया, चूर चार दिया, लाठी चलाया, मारा हमको। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में नॉन जुडिशियल स्टाम्प की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। अधिवक्ताओं ने इसको लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने इसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस पर जांच टीम गठित की जाएगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को 1000 का स्टाम्प 1500 में मिलता है, जब एक अधिवक्ता को ब्लैक में ज्यादा रकम देकर स्टाम्प खरीदना पड़ रहा है तो आम लोग समझ सकते हैं कितने त्रस्त होंगे। आम लोगों को 1000 का स्टाम्प 5000 में भी खरीदना पड़ा है। इसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय के दर्जनों अधिवक्ता आक्रोश में दिखे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यवहार न्यायालय भागलपुर के अधिवक्ता नीतीश, निखिल, राजीव गांधी, सौम्या, आदर्श, अतुल कुमार, अंकित राज, मोहम्मद फैयाज, शाश्वत, शुभम कुमार, विक्रम कुमार के अलावे दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। कालाबाजारी जो हो रहा है इसके लिए भागलपुर व्यवहार न्यायालय में स्टाम्प का बहुत कालाबाजारी चल रहा है। 1000 रुपये का स्टाम्प हम लोग को 1500 रुपये में, हम लोग को जब एडवोकेट को इतना मिल रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं। ई स्टाम्प का जो भी कालाबाजारी चल रहा है कि हम लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो एक दिन के बाद हम लोग को स्टाम्प मुहैया किया जाता है, लेकिन बिचौलियों लोग का जिसका रजिस्ट्री ऑफिस में दबदबा चलता है उन लोग को पीछे के काउंटर से सेम डे स्टाम्प दे दिया जाता है। इसलिए सर से मिले, सर का आश्वासन है कि सर अभी जांच करवाएंगे अपने स्तर पर, उसके बाद जो भी इस पर काम होगा वो सर करेंगे। रेशमी शहर भागलपुर पहले सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था और अब स्मार्ट सिटी के नाम से, कहीं अंग प्रदेश की अघोषित राजधानी कही जाती तो कहीं सांस्कृतिक धरोहर का हब, लेकिन शहर की वर्तमान स्थिति भागलपुर के दर्पण को कुछ और बयां कर रही है। हर जगह गंदगी, जल जमाव, सड़कों पर अतिक्रमण, कूड़े कचरे का अंबार, मानो भागलपुर अपने नाम से शर्मा रहा हो। इस तरह कूड़े के अंबार लग जाने से और जल जमाव से डेंगू बीमारी काफी तेजी से शहरवासियों को अपने आगोश में ले रही है। सैकड़ों लोग डेंगू बीमारी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर दिख रही है, मानो पूरा शहर बीमारियों की ढेर पर बसा हो। एक तरफ जहां नगर आयुक्त शहर की सफाई का दावा पेश करते हैं, वहीं दूसरी ओर तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। एक दिन पूर्व भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने देखा कि किस तरह शहर में गंदगी व्याप्त है। जब उन्होंने निरीक्षण किया तो सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं दिखी। उन्होंने आउटसोर्स कंपनी को कड़े लहजे में सफाई व्यवस्था सुधार करने की चेतावनी भी दे डाली। वार्ड का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताए उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दुभर है, नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए
इन लोग सही से नहीं कर पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे। लेकिन उससे कंपनी की कान पर जू तक नहीं रेंगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कमी पाई गई उन्हें जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई और डेंगू से पीड़ित मरीज के लिए समुचित व्यवस्था की बात कही गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी और गंदगी से दूर रहना होगा। वार्ड नंबर 43 के अरसदी बेगम के पार्षद पति मोहम्मद सोनू ने कहा कि मुझे डेंगू हो गया, फिर मेरी पत्नी को डेंगू हो गया और अब बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए। 3-4 दिनों से मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, वार्ड में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जब मैं सफाई करने वाली प्राइवेट कंपनी के लोगों से बात किया तो कहा सफाई हो जाएगी, लेकिन सफाई नहीं हुई। फिर मैंने कई बार कॉल किया तो उन्होंने काफी तेवर दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा कोई सफाई नहीं होगी, जिसे कहना है कह दो। जबकि मेरी पत्नी नगर निगम में स्थायी समिति की सदस्य है, वार्ड नंबर 43 की पार्षद भी है, फिर भी हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही। कि हम एक्सीडेंट कर गए थे, बेड पर थे 2 महीना से, उसके बाद डेंगू हो गया हमको, हम परेशान रहे, फिर बेटी को डेंगू हो गया, फिर परेशान रहे। 3-4 दिन से हम वार्ड में घूर रहे हैं, वार्ड में इस तरह का मामला है कि सब जगह कूड़े का अंबार बना हुआ है। तो यही सब देखते हुए हमने जब फोन पता लगाया कि आखिर इसका को है तो कैसे नाम करके कोई आदमी है, तो हम उसे बात किए कि सर आपका जो है टेलर पेलर नहीं आता, कूड़ा नहीं उठता है। तो बोला ठीक है, हम जो है आज जो है कूड़े का गाड़ी आपको देंगे। हम कहा सर 3 महीना हो गया आपको आने से, अभी तक आप कोई ध्यान नहीं दिए हैं। तो हमको बोला कि ठीक है गाड़ी देंगे। गाड़ी जब वो दिया तो हम गाड़ी वाले को बोले कि भैया सब तरफ घूरिए और कूड़ा उठाइए, कम से कम 2 ट्री भी आप उठाइए। देखिए पप्पू पंडित के तरफ इधर अंबावागी सब में दुनिया का कूड़ा और मलबा निकला हुआ है, उसके कारण से पप्पू से हमसे झोंक तोक भी हो गया। हम लोग उसको कहे भी कि जाइए अभी उठाएगा पप्पू भाई, सब तरफ उठेगा, लेकिन 1 ट्रिप कूड़ा उठाया। तो हम केशव भाई को फ़ोन किए कि केशव जी ऐसा ऐसा बात है, वो बोला हाँ ठीक है आज उठेगा, हम भेज रहे हैं गाड़ी। तो 1 ट्रिप उठाया तो हम बोला 1 ट्रिप उठाया भैया, तो कैसा इतना परेशान करते थे, ये कूड़ा पूड़ा नहीं उठेगा, आप खा मखा का टेंशन देते हैं, मेरा मन है ना कूड़ा। हम कहा हफ्ते में कई दिन कूड़ा उठाइएगा, तो कहीं जाइए नहीं उठाएंगे, आपको जिसके पास जाना जाइए, चले गए छोड़ दिए भैया। क्या लगता है इस तरह से भैया? तो यही लगता है कि कूड़े का अंबार है और उसका अपना मनमानी है। अब वो इतना चढ़ के बोलता तो इसका मतलब उस हमसे ज़्यादा उसके पास पावर है, तभी ना हम ऐसे पारते। जबकि मेरी वाइफ अस्थायी समिति में है, लेकिन आप बताइए कि मेरे साथ जब ऐसा हो रहा तो और पार्षद के साथ कैसा होता होगा। बाकी जाने मेयर साहबा है, डिप्टी मेयर है, नगर आयुक्त सब, ये सब जाने कि आखिर इस भागलपुर शहर का क्या होगा, यही लोग जाने। बड़ा पदाधिकारी है, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, हम लोग के साथ झाड़ के जब बात करता, हम लोग का जब कोई भलवी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सर। अपने देश भारत में 2001 तक फिजिकल शेयर का चलन था, उसके बाद शेयर ट्रेडिंग का कारोबार ऑनलाइन होने लगा। उसी कड़ी में जो 1970, 1980 और 1990 के दशक का फिजिकल शेयर है उसका ऑनलाइन मनी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। अलग बात है कि सेबी ने 30 सितंबर 2023 तक का वक्त KYC के लिए दिया है, लेकिन 8,000 से 9,000 कंपनियों के शेयर में शेयर धारकों को काफी परेशानियां हो रही है। शेयर मार्केट के जानकार बताते हैं कि 8,000 से 9,000 कंपनियों की शेयर कीमत तकरीबन 3,00,000 करोड़ की राशि है। अगर शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी का फायदा नहीं मिलता तो बड़ा शेयर घोटाला हो सकता है। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में हर्षद मेहता शेयर घोटाला काफी चर्चा में रहा था। उसी तरह 2001 में केतन पारिक का शेयर घोटाला सामने आया था। मौजूदा दौर में नेशनल हेराल्ड का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भागलपुर में शेयर ट्रेडर उत्तम झुनझुनवाला और शंभू झुनझुनवाला बताते हैं कि मौजूदा सरकार ने सेबी के माध्यम से 3 सितंबर तक एक मुकर्रर तारीख जरूर दिया है शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए, लेकिन जो प्रोसेस है वह बहुत ही जटिल है। साथ ही शेयर बाजार में फिजिकल शेयर बेचने वाली कंपनी शिकायतकर्ता को ऑनलाइन जवाब भी नहीं दे रही। सिर्फ भागलपुर से शेयर धारकों को तकरीबन 22 करोड़ की राशि बेनामी होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर देशव्यापी स्तर पर देखिए तो उक्त रकम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। सॉल्यूशन तो सेबी को देना होगा और डिजिटल जो फॉर्म प्लेटफॉर्म आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। बिना उसको ब्रॉड किए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि
आज से 100 साल बैक से हम लोग शेयर्स को ढो रहे हैं, 100 ईयर्स एंड एबव से ये पुराने शेयर्स हैं। इसके लिए कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, वहाँ पर कंसिडर करना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म देना होगा, तभी ये पैसा वास्तविक लोगों के हाथ में पहुँचेगा। बहुत लोगों के पास तो कुछ प्रूफ भी आज के तारीख में नहीं है। नहीं बोले तो लास्ट 100 ईयर से कितने लोग चले गए, दुनिया से विदा हो गए, उनके बेटा हैं, उनके पोता हैं, लेकिन वारिस तो है ना। जैसे एक शेयर घोटाला की बात आई थी हिंदुस्तान में, ये तो क्या उसी तरह की संभावनाओं को देखते हैं? इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। कंपनी अपने दायित्व को बढ़ा सकती है, अपना मालिकाना हक बढ़ा सकती है। एक इसी से मिलता जुलता देश में अभी करेंट इशू पर चल रहा है नेशनल हेराल्ड, वो भी यही इशू है कि जो मृत व्यक्ति हो गए उनके शेयर को अपने नाम से कर लिया और फिर वो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। हर्षद मेहता में भी हुआ, नेशनल हेराल्ड में भी हुआ, केतन पारिक में भी हुआ। ये सारे लूपहोल्स ऑफ द पेपर्स से ही काम होता है। इसको मौजूदा सरकार भी इतना अलर्ट बता रही है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। चैलेंज सरकार की मंशा अच्छी है, मेरा सवाल मंशा पर नहीं है, मेरा सवाल है वर्किंग पर कि वर्किंग सरकार करने क्यों नहीं दे रही है। आप किसी भी काम को लाएंगे तो उसके लिए आप मोटरसाइकिल बना दीजिए, बहुत अच्छी रोड नहीं दीजिए तो चलाएंगे काम। तो आपने कर तो दिया बेनामी संपत्ति के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, वो कैसे उसका यूज करें, कैसे उसको अडॉप्ट करें। आखिर शेयर मार्केट में जो ब्रोकर सब ब्रोकर है उनका क्या होगा? ब्रोकर सब ब्रोकर का तो काम है पब्लिक को हेल्प करना, लेकिन पब्लिक को जो गवर्नमेंट इंड पर मिलना चाहिए, रजिस्ट्रार इंड पर मिलना चाहिए, वहाँ जीरो है। वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बार बार रिमाइंडर करने पर भी रिप्लाई नहीं करते हैं। और सरकार डेडलाइन हालांकि इसीलिए 2 बार बढ़ा भी चुकी है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कितना बड़ा इशू हो सकता है? ये इतना बड़ा इशू है देश में कि प्राइवेट पार्टीज़ का, छोटे आदमियों का फंड जीरो आप कर देंगे। सर ये ऐसा है कि 1980 के दशक में फिजिकल शेयर्स करते चलते थे पेपर फॉर्म में, अभी पेपर फॉर्म से सारे शेयर जो हैं वो डिमेटलाइज फॉर्म में हो गए हैं। लेकिन क्या है कि लोगों के कई पेपर फॉर्म, क्योंकि पेपर है एक जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लोगों के अलमारी में कहीं कोने में कहीं कुतरे गए हैं, कहीं जल गए हैं, कुछ हुआ है। ऐसे 1.5 से 2% फिजिकल शेयर जो हैं मार्केट में अभी तक आए नहीं हैं, जिसकी वैल्यूएशन जो आपने बोली लगभग 3 लाख करोड़ है, हालांकि मेरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा भी होंगे। अब ये 3 लाख करोड़ के जो शेयर्स हैं सर, ये मार्केट में नहीं हैं, ये RTA के पास उनके कंपनियों में उनके रिकॉर्ड्स में हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उन तक को या तो पता नहीं है कि इनको कैसे कन्वर्ट कराना है डीमैट में, और अगर पता भी है तो इतना प्रोसेस डिलेड है, इतना ख़राब है, इतना लेंदी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब हो जाती है जब हमारे को RTA या हमारे DP से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस कारण से हम चाह के भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर पाते। हर चीज़, हर कंपनी अपने अलग तरीके के नियम लगा रखी है सर, 8000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, कितनी कंपनियों के नियम पता करें हम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम है तो वहाँ पे जब हमें बात करनी है, हम एक ईमेल दे दें और ईमेल में हमें जवाब मिल जाए, सरकार ने कर दिया कि अब 30 सितंबर 2023 तक सारे शेयर्स KYC अपडेट करा लीजिए। सरकार की, सरकार ने किया ये, अभी करंट सरकार ने किया, उन्होंने डेट बढ़ा करके अभी 30 सितंबर 2023 तक कर दिया है कि आप KYC करवा लीजिए, और दिसंबर 31 2025 तक अगर आपका नहीं हुआ होगा, सेबी ने किया ये जी, तो अगर सेबी की तरफ से अगर आपका KYC अपडेट नहीं हुआ होगा तो वो सारी संपत्ति जो फिजिकल शेयर्स हैं, मतलब 3 लाख करोड़, ये आपके बेनामी घोषित हो जाएंगे। अब ये 3 लाख करोड़ सर किसी की तो पूंजी लगी हुई है ना, मेरी लगी हुई है, मेरे फादर की लगी हुई हो सकती है, मेरे दादा की लगी हुई हो सकती है, उनकी पूंजी है, उसको हमें वापस रिट्रीव करने का जो तरीका है वो इतना क्लमजी है। और जैसा मैंने बोला 9000 कंपनियां हैं तो सबकी अपने अपने मेथड्स हैं, सब अपने अपने स्टाइल पे चलवा रही हैं कि आप हमें ये पेपर भेजिए, आप हमें ये पेपर भेजिए। अब ठीक है, हम पेपर भी भेजेंगे, करस्पॉन्डेंस करने का टाइम तो आप कम से कम सिटीजन चार्टर में लगाइए,
कि 15 दिन में 10 दिन में कंपनी आपको जवाब दे देंगी, हम यहाँ से भेज रहे हैं, 3-3, 4-4, 6-6 महीना हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में धूमधाम से मनाने को लेकर भाजपा का युवा मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा भागलपुर शाखा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भागलपुर के शिला विवाह भवन में 18 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर शहर में बढ़ रहे डेंगू महामारी से रक्त की जरूरत पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक लोग रक्तदान करेंगे, जिसमें कुल 21 मंडल के लोग भी यहां शामिल होंगे और उम्मीद है 100 से 150 यूनिट रक्त हम लोग जमा कर पाएंगे, जिससे किसी की जान बचाने में हम लोग सहायता कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर हम लोग एक सप्ताह का पखवाड़ा मना रहे हैं। इस 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिवस के दिन विश्वकर्मा समाज के द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में शहर में भव्य झांकी निकाली जाएगी। यह झांकी मोदी नगर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा भागलपुर इकाई के युवा मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जिस प्रकार से नगर में अभी डेंगू का देख रहे हैं महामारी का रूप ले रही है, लोगों को रक्त की प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम सभी युवा मोर्चा के साथियों ने यहाँ पर यह नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम करने का एक सफलतम प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भागलपुर जिला के अंदर 21 मंडल हैं, 21 मंडल के युवा यहां पर उपस्थित हों और 21 मंडल के युवा यहां पर आके रक्तदान करें। कम से कम 100 या फिर 150 यूनिट तक हम लोगों को करने का सफलतम प्रयास हम लोग कोशिश यहां पर लगे हुए हैं। हमारे बीच भाजयुमो के प्रदेश से जो जिला के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं आनंद प्रकाश जी, वो भी हमारे साथ हैं और हमारे सारे साथियों के साथ आज बैठक यहाँ पर ले रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित करेंगे और इसके साथ ही 17 तारीख को जो नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है, जिस दिन कल विश्वकर्मा समाज द्वारा आदरणीय जिलाध्यक्ष संतोष कुमार जी के नेतृत्व में भव्य झांकी निकाला जाएगा, जिसमें सारे मोर्चा, युवा मोर्चा और जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं सभी लोग सम्मिलित होंगे। यह जो नरेंद्र मोदी जी के सेवा सप्ताह पर जो सेवा पखवाड़ा हम लोगों का चल रहा है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जनहित में सामाजिक कार्यक्रम करने का प्रयास हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये मिर्जान से मोदी नगर से निकलेगा कार्यक्रम। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में लखनऊ के कांवरियों का जत्था प्लेटफार्म नंबर 2 पर विश्राम कर रहा था, तभी आरपीएफ के जवानों ने लखनऊ के एक कांवरिया से रामपाल की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घायल कांवरिया ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर परिवार के साथ विश्राम कर रहा था, तभी आरपीएफ के 3 जवानों ने सभी कांवरियों को गाली देना शुरू कर दिया। जब गाली का विरोध किया गया तो आरपीएफ के जवानों ने लाठी एवं डंडे से जमकर उनकी पिटाई कर दी, जिससे कांवरिया गंभीर रूप घायल हो गया। वहीं आरपीएफ के जवानों ने बताया कि लखनऊ के कांवरिया सियाराम पाल स्टेशन परिसर में उपद्रव मचाते हुए हंगामा कर ईंट पत्थर से रेल यात्रियों पर हमला कर रहे थे। घटना की सूचना पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचकर लखनऊ के कांवरिया सियाराम पाल को पकड़ने पर हाथापाई होने लगी, जिसके बाद लाठी चार्ज करते हुए काबू पा लिया गया, जिसमें आरपीएफ के जवान एके सिंह, आरके मीना, पीके हल्दर घायल हो गए। आरपीएफ के जवान ने लखनऊ के कांवरिया सियाराम पाल को हिरासत में लेकर भागलपुर रेलवे न्यायालय भेज दिया। इस घटना से परिजन लखनऊ के कांवरिया मौके से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में साफ पता चल रहा है कि लखनऊ के कांवरिया सियाराम पाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर परिजनों के साथ विश्राम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि रेल विभाग के अधिकारी कांवरियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले आरपीएफ पर क्या कार्रवाई करती है।